हेलो स्टूडेंट्स, लेट स्टार्ट मैथ मीटिंग विद एपी सर। हमारा आज का टॉपिक जो है वो है इवेल्युएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स बाय सब्स्टिट्यूशन, यानी प्रतिस्थापन द्वारा निश्चित समाकलनों के मान ज्ञात करना। ओके, ये हमारे लिए नया टॉपिक बिल्कुल भी नहीं है। हमने पिछले वीडियोस देखे हैं, उसमें हमने प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन पढ़ा है। कीजिए इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, शुरुआती वीडियोस में इंडेफिनेट इंटीग्रेशन किया था, और अब हमें सिर्फ यही तो काम अक्षा करना है, क्या डेफिनेट इंटीग्रेशन करना। समझ रहे हैं? तो समझाने के लिए इस टॉपिक में ऐसा कुछ है ही नहीं। हम सिर्फ दो एग्जांपल जो आपके एनसीईआरटी में दिए हैं वो एग्जांपल करेंगे और आपका यह टॉपिक एकदम से क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हैं? बस आपका काम क्या है, पिछले वीडियोस एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए ताकि आपको सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन करना आ जाए। बाकी काम बहुत आसान है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज जो आपकी दे रखी है 7.10, उस 7.10 से पहले दो एग्जांपल दे रखे हैं। इस वीडियो में मैं उन दोनों एग्जांपल्स को सॉल्व करता हूं। ओके, तो आपका है एग्जाम्पल नंबर 29, बहुत आसान आसान से एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 29 क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 5x^4 रूट x^5+1 dx -1 से +1। अब पहले तो एक बात तो ये मेरी, मान लो आपने ये टॉपिक पढ़ाई नहीं सब्स्टिट्यूशन वाला डेफिनेट इंटीग्रेशन में, तब आप क्या करोगे? जो हमने 7.9 में जो काम किया, क्या किया? पहले इसकी लिमिट हटा दी, -1 से +1 ये हटा दी, और इसको सोल्व कर लिया। 5x^4 रूट x^5+1। इसको कैसे सॉल्व करते हैं अपन? इस रूट के अंदर वाले पार्ट को पुट कीजिए। किसको? x^5+1 इज इक्वल टू टी। रूट के अंदर वाले को टी पुट कर दो। जैसे ही ये पुट करोगे क्या हो जाएगा? देखो 5x^4, अवकलन कैसे, डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, 1 का 0, एक्स का dx इज इक्वल टू डी टी। मतलब ये हुआ कि 5x^4 और dx ये मिलकर के क्या बन गए? dt। तो ये हो गया रूट टी, और इन दोनों के संग रख दिया dt। अब रूट टी का क्या हो गया? t^3/2 / 3/2 +c। ध्यान दे, मैं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहा हूं, ऐसे समाकलन c लिख रहा हूं। फिर क्या हो जाएगा? ये 2/3, और t की वैल्यू पुट कर दो। t किसको माना था आपने? x^5+1 और उसकी पावर 3/2 + c। ये इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का काम आपने कर लिया। जबकि लिमिट लगानी हो तो आप क्या करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे? आपका आई लिमिट लगानी है तो आपने ये लिखा 2/3 x^5+1 / 3/2 और लिमिट -1 से +1। तो काम कितना सा है? एक बार तो यहां पर पुट करोगे क्या 1, और एक बार पुट करोगे -1। जब 1 आपने पुट किया तो ये हो गया 2/3। ध्यान देना, 1 पुट करेंगे तो 1^5 + 1 और पावर 3/2 माइनस। जब ये -1 पुट करोगे तो क्या होगा? 2/3 - 1^5 + 1 और पावर 3/2। देखो ये हो गया 2/3, 1^5 1 1 + 1 2, 2^3/2 2^3/2 कैसे सॉल्व करेंगे? 2√2 लिख सकते हैं 2^3। चलो एक बार लिख देता हूं। अच्छा, 1 की -1 के ऊपर 5 पावर है तो ये -1 हो गया, -1 + 1 ये हो गया 0, मतलब ये हो गया 0। अब देखो 2^3/2 इसको मैंने लिख दिया 2√2, तो ये हो गया 4√2/3। मतलब ये है कि आपका आंसर आ गया, बात समझ रहे? 4√2/3। बट जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है बाय सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन के द्वारा जो काम आप, मैंने जो आपसे कहा कि पहले इंडेफिनेट सोल्व करो और फिर डेफिनेट करो, तो इतना काम नहीं करने जाए, आप क्या करें ये प्रोसेस देख लीजिए। हम सबसे पहले ये पूरी प्रोसेस लिखेंगे, पुट
x की पावर 5 प्लस 1 बराबर टी। तो यहां से आपने ये कह दिया कि 5x टू दी पावर 4 dx इज इक्वल टू dt। अब आपका इंटीग्रेशन t में आएगा, तो हमने अभी क्या किया, पहले पूरे को सोल्व किया, फिर t को वापस x रखा, फिर लिमिट रखी। अब ऐसा नहीं करेंगे, अब हम क्या करेंगे, यहां पर दो लाइन और लिखेंगे, when, जब x इज इक्वल टू माइनस 1, देखो लोअर लिमिट क्या है, x इक्वल टू माइनस 1, देन t इज इक्वल टू, देखो x की वैल्यू जब माइनस 1 है तो t की वैल्यू क्या होगी, t यहां से लेना आपको, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 1 टू दी पावर 5 प्लस 1, यानी ये 0 होगी। एंड व्हेन x इज इक्वल टू 1 देन t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, x की वैल्यू जब 1 होगी तब t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 टू दी पावर 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। यानी कि ये जो काम आपने एक्स्ट्रा किया है इससे क्या हुआ कि आपकी जो माइनस 1 वाली लिमिट है वो तो 0 बन जाएगी और 1 वाली लिमिट क्या बन जाएगी, मतलब अब आपको वापस t नहीं पुट, t की जगह पर x पुट नहीं करना है, t की जगह पर x की पावर 5 प्लस 1 पुट वापस नहीं करना है, क्योंकि अब आपका जो इंटीग्रेशन है वो पूरा का पूरा देखिए क्या बन गया, माइनस 1 वाली लिमिट बन गई 0, 1 वाली लिमिट बन गई 2, ओके, और 5x की पावर 4 dx की जगह पर लिख दिया dt और रूट में आ गया t। मतलब अब आपका इंटीग्रेशन ही किसमें हो गया, पूरा का पूरा t में हो गया। अब देखो ये कितना हो जाएगा, t की पावर 3 बाय 2 अपॉन 3 बाय 2 और लिमिट 0 से लेकर के 2। इसको क्या लिखेंगे, एक बार तो अपर लिमिट रखेंगे, एक बार लोअर लिमिट रखेंगे, तो ये 2 बाय 3 हो जाएगा इंटू 2 की पावर 3 बाय 2 और जब लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस में 0 हो जाएगा क्या, तो क्या हो गया आपका आंसर, I इज इक्वल टू 4 रूट 2 बाई 3। मतलब यह है कि इस टॉपिक में नया क्या है, नया बस ये है कि जैसे ही आप सब प्रतिस्थापन करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो जो नया वेरिएबल आता है उस वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, यानी लिमिट चेंज हो जाती है। जैसे ही आपकी लिमिट चेंज होगी अब आपको वापस t की वैल्यू रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। हम t की वैल्यू, ये जो यहां पर कहते हैं ना t की जगह पर वापस x की पावर 5 प्लस 1 वो पुट करने की जरूरत नहीं है, बात समझ रहे हैं। तो अब आप जो अपना जस्ट पिछली एक्सरसाइज जो आपने 7.9 की है उसमें भी हमने जब भी सब्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ी तो पहले टी माना, फिर वापस x के टर्म्स लेके आए, फिर लिमिट रखी। तो अब उन क्वेश्चंस को आज आप फिर से बाय सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन से लिमिट चेंज करके सोल्व करेंगे, आपके आंसर सेम मिलेंगे, ओके। तो इसे आप नोट कर लीजिए और हम आगे बढ़ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 30। एग्जाम्पल नंबर 30 है इंटीग्रेशन 0 से 1 और tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। सोचो अगर ये क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन में होता, सॉरी इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में होता तो क्या करते आप, tan इनवर्स x को t पुट करते, तो बस शुरुआत वहीं से करो, क्या पुट करेंगे, tan इनवर्स x इज इक्वल टू t। अब हमें पता है tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। अच्छा कहीं दिमाग में ये आ रहा है कि अपने क्या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी नहीं है तो इसका ये कैसे होता है, आज मैं आपको ये भी बता ही देता हूं क्या होगा। देखो tan इनवर्स x इक्वल टू t, तो क्या मैं x इक्वल टू tan t लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता। अब देखो x का डेरिवेटिव dx, tan का जानते हैं अपन क्या होता है sec स्क्वायर t, tan x का sec स्क्वायर x, तो tan t का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर t और t का dt। अब सोचिए ये लिखा हुआ है क्या sec स्क्वायर, समझ रहे हैं, क्या इस sec स्क्वायर को मैं 1 प्लस tan स्क्वायर t लिख सकता हूं, समझ रहे हैं। अब 1 प्लस t स्क्वायर लिख सकते हैं तो 1 प्लस tan स्क्वायर लिख सकते हैं, अब tan स्क्वायर tan t किसके इक्वल है x के इक्वल है, तो 1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, मतलब आपको ये मिला क्या dx इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर dt। तो क्या आपको ऐसा मिला 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt,
या नहीं? हालांकि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ लेंगे उसके बाद डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो आपको ये फॉर्मूला बनेगा जो अभी तक यूज किया है आपने बहुत सी बार कि टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है वो ये हो गया, आज दिमाग में आ गई तो आपको इस प्रकार से बता दिया। ओके चलिए अब देखो, एक तो तरीका आपके पास में है कि पहले इसी जगह टी लिखो फिर इसको इंडेफिनेट में सोल्व करो फिर लिमिट पुट करो। एक तरीका आपके पास में क्या है, यहीं पर आ जाओ आप, वेन जब एक्स इज इक्वल टू जीरो। देखो लोअर लिमिट क्या है, जीरो। ये किस में है फंक्शन, पूरा अक्स में है, इसका मतलब ये अक्स की वैल्यू है। देन जब एक्स बराबर जीरो तब टी की वैल्यू क्या होगी, टी की वैल्यू होगी टेन इनवर्स जीरो। बात समझ रहे? अब सोचो इसको कैसे सॉल्व करें, ऐसे सॉल्व करें कि टेन टी इज इक्वल टू जीरो। अब सोचो टेन की वैल्यू जीरो कब होती है, टेन जीरो पर। अब दोनों साइड से टेन का कैंसिल आउट होता है तो यहां से टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। समझ रहे? इसी प्रकार से अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये पढ़ेंगे अपन, टेन इनवर्स जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो। और व्हेन एक्स इज इक्वल टू वन देन टी इज इक्वल टू टेन इनवर्स वन। अब देखो टेन इनवर्स इसको सोल्व करूं मैं तो टेन टी कैसे हुआ, ये टेन इनवर्स इधर आया तो टेन बन गया, टेन टी इज इक्वल टू वन। अब वन को मैं टेन पाई बाई फोर लिख सकता हूं, टेन पैंतालीस डिग्री। अब टेन ये कैंसिल आउट करते हैं तो टी इक्वल टू पाई बाई फोर। समझ रहे? इसका मतलब जैसे ही आप ये सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं अब आपका जो इंटीग्रल है वो क्या बन गया, देखो टेन इनवर्स एक्स की जगह पर तो लिख देंगे टी, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, ये मिलकर क्या बन गया डीटी। जीरो वाली लिमिट जीरो ही रही, मतलब एक्स की वैल्यू जीरो है तो टी की भी जीरो ही है, लेकिन एक्स की वैल्यू जब वन है तब टी की वैल्यू क्या है, पाई बाई फोर। समझ ले? तो ऐसी स्थिति में देखो टी का क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई टू, लिमिट लगाएंगे जीरो से पाई बाई फोर। अब आपको इस टी की वैल्यू वापस पुट करने की जरूरत नहीं है, सीधा ही आप क्या करोगे, एक बार पाई बाई फोर कर दो इसको, तो पाई बाई फोर का स्क्वायर बाई टू माइनस जीरो रखो तो जीरो का स्क्वायर बाई टू। अब ये तो जीरो हो गया, अब बताओ आपका आई क्या हो गया, पाई स्क्वायर बाई सिक्सटीन अपॉन टू थर्टी टू। ये आपको रिजल्ट मिल गया। ओके, तो इस प्रकार से आपने क्या देखा कि ये कंसेप्ट जो है वो कुछ भी कोई नया कंसेप्ट नहीं है, मतलब यह है कि सिर्फ इसमें जो ये काम एक्स्ट्रा करते हैं अपन, लिमिट चेंज करने वाला, ये आपको एक्स्ट्रा सीखना है। इस वीडियो के बाद आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.10 आसानी से कर सकते हैं। ओके चल लीजिए, एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं जो बोर्ड एग्जाम 2013 में 2013 में बोर्ड एग्जाम में पूछा था, और वो क्या था क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन ये था, फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 0 to π/2 1 + sin x 2 + sin x और ऊपर है cos x dx का, पूछा गया ये बोर्ड एग्जाम 2013। क्या करेंगे, जैसे ही ये क्वेश्चन आया, हालांकि ये क्वेश्चन शायद पहले आ चुका है 7.5 में, चलिए क्या करेंगे आप, ये क्वेश्चन जैसे देखा हम सबसे पहले कहेंगे पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, देन साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x dx इज इक्वल टू dt। ओके, अब बात आती है कि ये तो हमने पुट तो कर दिया, लेकिन ये क्वेश्चन जो है इसमें अब t में आ जाएगा तो लिमिट भी चेंज करते हैं। क्या करेंगे अपन, लिखेंगे when जब x इज इक्वल टू जीरो देन t इज इक्वल टू साइन जीरो। देखिए ध्यान से, ये जो आपने एक्स लिया है साइन एक्स इज इक्वल टू टी, जब एक्स की वैल्यू जीरो लेंगे तो टी इक्वल टू साइन जीरो, और साइन जीरो की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है, जीरो। और व्हेन
जब x इज इक्वल टू पाई बाई टू देन t इज इक्वल टू साइन पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये आपने सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन यूज कर दिया। अब आ जाओ अपने इंटीग्रेशन पर। अब आपका जो इंटीग्रल है वो क्या हो जाएगा, देखो जीरो वाली लिमिट है वो जीरो ही रहेगी, पाई बाई टू वाली लिमिट है वो वन बन गई, ओके। कोस अक्स डीएक्स मिलकर के बन गए डीटी, और ये क्या हो गया वन अपॉन वन प्लस टी और टू प्लस टी, बात क्लियर है। और जैसे ये हुआ क्या यहां आकर के आपको ऐसा लग रहा है कि पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ दिया जाए, ए अपॉन वन प्लस टी और बी अपॉन टू प्लस, आंशिक भिन्नों में इसको तोड़ दिया। और साथ ही साथ ये भी देखा ऐसा करेंगे ए की वैल्यू आपको मिलेगी वन और बी की वैल्यू माइनस वन, ये पूरी प्रोसेस जानते हैं हम, ए की वैल्यू वन और बी की वैल्यू माइनस वन। तो अब आप इसको सोल्व करेंगे तो देखो पहले हो गया वन अपॉन टी प्लस, तो क्या हो गया लॉग वन प्लस टी, इसमें माइनस आ जाएगा बाहर, ये हो जाएगा लॉग टू प्लस टी। अब लॉग की प्रॉपर्टी हम जानते हैं क्या होता है, लॉग में लॉग एम अपॉन एन, यानी ये आ जाएगा 1 प्लस टी ऊपर आ जाएगा और 2 प्लस टी नीचे आ जाएगा, और लिमिट लगी हुई है तो ये लिमिट लगा देंगे 0 से लेकर के 1 तक। अब आपका काम एक बार टी की जगह पर 1 रख दो, एक बार टी की जगह पर 0 रख दो, तो एक बार 1 रखोगे तो क्या होगा लॉग 1 प्लस 1 2 और 2 प्लस 1 3 माइनस, जब 0 रखोगे तो क्या होगा लॉग 1 प्लस 0 1 और 2 प्लस 0 2। अब यहां फिर से देखो लॉग एम माइनस एन, तो ये क्या हो जाएगा लॉग, और ये 2 बाई 3 ऊपर आ गया, अब मोड लगाने की जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई 2 बाई 3 अपॉन 1 बाई 2, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 बाई 3, मतलब ये आपका आंसर आ गया। समझ रहे, तो बात ये है कि नई बात यहां कुछ नहीं है, पिछले दोनों वीडियो जो आपने देखे ये वाला और इससे जस्ट पिछले वाला, उन दोनों में ही नई बात कुछ भी नहीं है। आपको जो इनडेफिनेट इंटीग्रल्स हैं उनके वीडियोस देखने हैं, प्रोसेस समझनी है, फॉर्मूले याद करने हैं, मैं बार बार ये चीजें कह रहा हूं, प्रैक्टिस करते रहना है, और उसके बाद में आप इन दोनों एक्सरसाइज जो आपकी 7.9 और 7.10 है उसके एक एक क्वेश्चन को आप सोल्व कर लेंगे, ओके। इससे अगला जो वीडियो होगा उसमें हम इंटीग्रेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज वो पढ़ेंगे, उसके बाद में आप जो भी इन वीडियोस में जो प्रॉब्लम्स बताओगे 7.9 और 7.10 के, वो प्रॉब्लम्स 7.8 भी शामिल कर लो, 7.8 9 और 10 की जो भी प्रॉब्लम्स आपके कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप के थ्रू आएगी उन सारी प्रॉब्लम्स को लेकर के एक और वीडियो आपके सामने आ जाएगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो। थैंक यू।